अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सीर एकेडमी इस चैनल के ऊपर। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फियोफाइसी। हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक चल रहा है वो है अल्गी, और अल्गी के हम तीन अलग टाइप पढ़ रहे हैं। तो पहला पार्ट वन मैंने समझाया है क्लोरोफाइसी के ऊपर, ग्रीन अल्गी के ऊपर। आज मैं जो समझाने वाला हूँ वो फियोफाइसी है, फियोफाइसी ब्राउन अल्गी। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले, इसको आज हम समझने वाले हैं। तो आप लोगों से खास गुजारिश है कि इस जिस लेक्चर को आप देख रहे हैं वहां पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, वहां पर आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि उसको सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मैं कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहूं। ठीक है, जजाक अल्लाह। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम फियोफाइसी। फियोफाइसी या इसको कहा जाता है ब्राउन अल्गी या भूरे अल्गी, यानी ब्राउन कलर यानी भूरा। तो ये क्या होता है फियोफाइसी या ब्राउन अल्गी की जो मेम्ब्रान है, ये इसके जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे कहाँ पर रहते हैं? बुनियादी तौर पर ये समंदर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समंदर में पाए जाते हैं। इस खानदान के मेम्ब्रान की अगर आप जसामत और इनकी अशकाल यानी इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा तफरीक पाई जाती है। तफरीक पाई जाती है मतलब बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। बहुत अलग अलग ये इनकी शक्लें होती है, बहुत अलग अलग इनकी जसामत होती है, इनके साइज होते हैं। साइज में ये बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। शक्लें इनकी बहुत मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। इनके जो जिस्म है, इनका जो जिस्म है या यहाँ पर जो वर्ड है वो अजसाम है, यानी इनके जो जिस्म है वो कैसे होते हैं? शाखदार धागे नुमा, यानी कैसे होते हैं वो? शाखदार और धागे नुमा। तो उनके अंदर बहुत सारे मतलब वो धागे की तरह लंबे लंबे होंगे और शाखदार होंगे, कई सारे ब्रांच होंगे। जैसे हमारा दरख्त होता है, पौधा होता है, प्लांट होता है, तो उसके ऊपर जिस तरह से शाखें फूटी होती है उसी तरह से इनका जिस्म होता है कि शाखदार और धागे नुमा। तो उसको कहा जाता है एक्टोकार्पस। क्या कहा जाता है उसको? एक्टोकार्पस। तो यहाँ पर जो उनका जिस्म है वो शाखदार धागे नुमा से लेकर कसीर शाखे, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे, कई सारी शाखें होंगे, जैसे कैलेप्स जिनकी लंबाई 100 मीटर तक पहुंच जाती है। यानी कितने मीटर तक पहुंच जाती है? 100 मीटर तक उनकी लंबाई पहुंच जाती है। आप सोच सकते हैं कि 100 मीटर मतलब कितना बड़ा होगा ये। इनमें जो क्लोरोफिल होता है उसमें एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल सी। इनके पास जो पिगमेंट्स है, जिसकी वजह से ये कलर मिल रहा है, तो एक तो है उनके पास क्लोरोफिल ए और दूसरा है क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इनके पास जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। कौन सा वाला है? कैरोटीनॉइड्स। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है जैंथोफिल, और दूसरा पिगमेंट कौन सा है? जैंथोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि इनके पास दो एक्स्ट्रा टाइप के पिगमेंट्स है, एक है कैरेटिनॉइड पिगमेंट और दूसरा पिगमेंट है जैंथोफिल पिगमेंट। जैंथोफिल पिगमेंट, ये जो जैंथोफिल पिगमेंट है इसका एक और टाइप है जिसको कहा जाता है फ्यूकोजैंथिन। क्या होता है? फ्यूकोजैंथिन। तो यहां पर क्या होता है कि जैंथोफिल पिगमेंट यानी फ्यूकोजैंथिन मादे की कम और ज्यादा मेदार में मौजूदगी की बिना पर। तो इसका मतलब क्या होगा अब कि जैंथोफिल पिगमेंट ये बेसिकली या तो ज्यादा होंगे या तो कम होंगे, और जैंथोफिल यानी कौन? फ्यूकोजेंथिन। तो जैंथोफिल का एक और टाइप है फ्यूकोजेंथिन। तो ये जो मादे है ये या तो कम हो सकते हैं या ज्यादा मिकदार में मौजूद होंगे। अब इसकी कमी और ज्यादा की मौजूदगी की वजह से क्या होगा? तो इसकी मौजूदगी की बिना पर इनके रंग जैतूनी सबसे लेकर, इनके रंग कैसे होंगे? जैतूनी सबसे लेकर भूरे रंग तक हो सकते हैं। तो यहां पर सवाल ये है कि ये जो भूरा रंग आया, ये जो ब्राउन अल्गी इसको नाम दिया, ये किसकी वजह से हुआ है? जैंथोफिल पिगमेंट की वजह से। जैंथोफिल पिगमेंट में भी कौन सा स्पेशली? फ्यूकोजैंथिन। और फ्यूकोजैंथिन के नंबर अगर कम होंगे और फ्यूकोजैंथिन के नंबर अगर ज्यादा होंगे तो उनका कलर चेंज होगा। अगर कम होंगे तो जैतूनी सब्ज रंग दिखेगा, थोड़ा थोड़ा वो कैसा दिखेगा आपको? हरा। और अगर ज्यादा होंगे तो वो कैसा दिखाई देगा आपको? भूरे रंग का दिखाई देगा, आपको ब्राउन कलर का दिखाई देगा। पार्ले जी का जो बिस्किट होता है तो उसका कलर किस तरह से होता है? भूरे रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है। और जैतून का जब सब्ज रंग जो होता है तो थोड़ा थोड़ा वो भूरा होता है, थोड़ा थोड़ा वो
हरा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि ये जो कलर डिफरेंशिएशन है, ये कलर का जो फर्क है वो किसकी वजह से है, वो जैंथोफिल पिगमेंट की वजह से है। कौन सा पिगमेंट है? वो फ्यूकोजैंथिन। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां जो गिजा है, तो गिजा को जमा करके, यानी ये जो फियोफाइसी है, ये अपनी गिजा जमा करके रखते हैं। तो गिजा को जमा करने का इनका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा पैचीदा है, वो जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा पैचीदा है। तो गिजा का अजमा बहुत पैचीदा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पैचीदा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है। जैसे लेमिनारिया, यहाँ पर जो नाम है वो जिस फॉर्म में यह गिजा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट कौन है? लेमिनारिया। या दूसरा है मैनिटॉल। दूसरा कौन सा है? मैनिटॉल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, वो क्या है, फियोफाइसी के अंदर जो गिजा को जमा करके रखते हैं वो किस फॉर्म में जमा करके रखते हैं? या तो लेमिनारियन के फॉर्म में रखते हैं या तो मैनिटॉल की शक्ल के फॉर्म में रखा जाता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है। फिर अगर इनके अंदर दूसरी बात करें कि इनके जो खलिया है, तो खलिए की दीवार होती है, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी जब हमने क्लोरोफाइसी पढ़ा था वहां पर भी हमने खलिए की दीवार पढ़ा था, वो दीवार बहुत मजबूत होती है। हमने पढ़ा था कि वहां सेल्यूलोज होता है और पेक्टोज होता है। इसी तरह से फियोफाइसी के जो नबाताती खलिए है, जो खलिए है उनकी अंदरूनी दीवार सेल्यूलोज की होती है, उनकी जो अंदरूनी दीवार है वो सेलुलोज से होती है, बट इनके जो बाहर की दीवार है वो एक जेली नुमा मुरकब, यानी एक जेली लाइक चिपचिपा मादा है, जिसे कहा जाता है अल्जीन। क्या कहा जाता है? अल्जीन की बनी होती है। तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ सेल्यूलोज मटेरियल अंदर है और बाहर कौन है? अल्जीन मटेरियल है, जो किस तरह का है वो थोड़ा सा जेली लाइक आपको दिखाई देता है। फिर यहाँ पर एक और चीज जिसको याद रखना है कि जो कलियमाए हैं, कलियमाए मतलब साइटोप्लाज्म, तो कलियमाए में प्लास्टिड्स, कलियमाए में क्या होता है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के अलावा बीज में एक वैक्यूल होता है, बीच में, ये बीज लिखा है, बीच दरमियान में एक वैक्यूल होता है, जिस या वैक्यूल को क्या कहते हैं? खला, यानी एक खाली जगह होती है और उसके साथ क्या होता है? मरकजा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड के अलावा, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट है ना, हमने पढ़ा हुआ है प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप। आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा तो आपने तीन तरह के प्लास्टिड पढ़े होंगे। तो तीन तरह के क्लोरोप्लास्ट, तीन तरह के जो प्लास्टिड होते हैं उसमें से एक टाइप का जो प्लास्टिड है, तो वो प्लास्टिड यहाँ पर होगा वो है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर जो टाइप का है वो कलरफुल प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड के अलावा यहाँ पर बीच में एक वैक्यूल होती है, खाली जगह होती है जहां पर गिजा जमा करने का वो काम करेगा, और एक मरकजा होता है। पौधे का जो जिस्म है, पौधे का जो जिस्म है वो डंठल इस टाइप के अलावा होल्ड फास्ट के जरिए किसी सतह से जुड़ा होता है। यानी इसको जुड़ने के लिए क्या चाहिए? पौधे का जो जिस्म है तो उसके ऊपर एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर रहेगा और एक होल्ड फास्ट रहेगा। ये देखिए जिस तरह से जड़े होती है हमारी, उस तरह की होल्ड फास्ट है। तो ये होल्ड फास्ट जिस तरह से जड़े होती है उसके जरिए वो क्या होता है? जमीन पे चिपक कर रहता है, वो उस जगह पे जाके क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और जिस्म का बाकी पत्ती नुमा हिस्सा होता है, बाकी का हिस्सा जो है वो किस तरह से है? पत्ती नुमा, यानी क्या बोलेंगे आप, ब्लेड्स की तरह होता है, ये थिन होता है। तो इस तरह से उनका क्या होता है? बाकी का जिस्म होता है। और ये जो पत्ती नुमा हिस्सा है वो क्या करता है? जो ब्लेड की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या करता है? फोटोसिंथेटिक उसे होता है, यानी यहाँ पर पूरा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और इसे कहा जाता है फ्रोम। तो यहाँ दो बातें आपको याद रखना है, एक ब्लेड्स स्ट्रक्चर है, दूसरा होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर है। होल्ड फास्ट की वजह से वो कहीं पर जमा हो जाएगा, कहीं पर जुड़ जाएगा, और ब्लेड्स की वजह से वो कौन सा अमल करेगा? फोटोसिंथेसिस का अमल। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो हरा बनेगा क्या? नहीं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्योंकि ज़ैंथोफिल पिगमेंट ज्यादा है इसलिए वो भूरा रंग का बन जाएगा, ब्राउन कलर का बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्रॉम। क्या कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को? फ्रॉम। नाउ इनके अंदर जो नबात, इनके अंदर भी तौलीद होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अल्गी होती है, अल्गी के अंदर तौलीद का जो अमल होता है तीन तरह से होता है। एक होता है
नबाताती यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो नबाताती टॉलिड या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। तो फ्रेगमेंटेशन के जरिए यहाँ पर क्या होती है, नबाती टॉलिड होती है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ नबाताती लिखना चाहिए था इसलिए गलती हो गई। नाउ उजाति टॉलिड यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उजाति टॉलिड, तो वो दो दमदार बजरों यानी जू स्पोर के जरिए होती है या हदीयेदार बजरों के जरिए होती है जो नाशपति नुमा होते हैं और जिनमें दो छोटे बड़े सोते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो जू स्पोर है, ये दो जू स्पोर है, एक है मेल और एक है फीमेल। तो ये देखिए नाशपति की यानी हमारा जो अमरूद होता है, जो जाम होता है, जो उल्टा जाम होता है, उसकी स्ट्रक्चर की तरह ये होता है। और इनके अंदर क्या होता है कि नाशपति नुमा होता है और दो छोटे बड़े सोते, सोते यानी धागे। तो ये एक धागा या तो बड़ा होगा, ये धागा छोटा होगा, या ये धागा बड़ा होगा और ये धागा छोटा होगा। तो दो सोते होते हैं यानी धागे होते हैं जो बड़े छोटे आपको दिखाई देते हैं। तो ये आगे चलेगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फिर उससे स्पर्म बनेंगे, फिर आगे यहाँ पर कौन सा अमल होगा, फर्टिलाइजेशन। फिर उस अमल की वजह से आगे नया एक फंगा एक अलगी वहां पर बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखिए कि यहाँ जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो क्लोरोफाइसी के रिप्रोडक्शन के अमल से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अलग है, इसको याद रखना है आपको। नबाती नबाताती या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें भी फ्रेगमेंटेशन से होता था, यहाँ भी होता था, यहाँ भी जूस्पोर है वहां भी जूस्पोर थे, बट यहाँ जूस्पोर की शक्ल अलग है, इसको आपको याद रखना है। नाउ यहाँ जो जाति तौलीद होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगेन आइसोगैमस एनाइसोगैमस उगैमस, यानी यहाँ पर क्या होगा, आइसोगैमस मतलब उनकी शक्लें एक जैसी रहेंगी, एनाइसोगैमस मतलब उनकी शक्लें अलग अलग रहेंगी, और उगैमस मतलब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो या तो फीमेल गैमेटोफाइट बड़ा होगा, या तो मेल गैमेटोफाइट बड़ा होगा, या तो फीमेल गैमेटोफाइट छोटा होगा, या तो मेल गैमेटोफाइट छोटा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन अलग अलग वे में हो सकता है। फिर दो सिंफी जॉज पानी में या उगोनियम यानी अंडे में उगैमस में हो सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि जो सिंफी जॉज या तो ये पानी के अंदर होंगे यानी ये पानी के अंदर बनेंगे या पानी के अंदर इनका इंटरेक्शन होगा, या उगोनियम यानी एक स्पेसिफिक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक कंपार्टमेंट के जैसा एक हिस्सा होगा और वहां पर वो बनेंगे। ज्वाजे ज्वाजे पायरीफॉर्म होते हैं यानी नाशपति की तरह होते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको पहले कि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर जो ज्वाजे होते हैं वो किस तरह से होते हैं, नाशपति की तरह, जाम की तरह, ना हमारा उल्टा जो पेरू होता है उसकी तरह, या उसको जो वर्ड दिया हुआ है वो है पायरीफॉर्म। कौन सा दिया है, पायरीफॉर्म। और दो में होते हैं जो फ्लाजिला से जुड़े होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, दो फ्ला होते हैं और ये दो फ्लाजिला से यानी मैंने जो आपको थ्रेड यानी सूते बताया आपको, तो उनसे वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, तो इनके एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, यहाँ देखिए एक्टोकार्पस ये पूरे जालनुमा है। डिक्टियोटाइप यहाँ पर कौन सा है, डिक्टियोटा, ये देखिए डिक्टियोटा यहाँ पर। इसी तरह से लेमिनारिया, कहाँ पर है लेमिनारिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ लेमिनारिया, ये लेमिनारिया का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से सार्गेसम्स, कौन है सार्गेसम्स, ये देखिए सार्गेसम्स। और इसी तरह से है फ्यूकस, दूसरा कौन है फ्यूकस, फ्यूकस का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि आपको ये पांच नाम याद हो जाना चाहिए। ये जितने भी नाम हैं फियोफाइसी के, ये पांचों के पांच नाम आपको याद होना जरूरी है। क्लोरोफाइसी के नाम अलग याद होना चाहिए, फियोफाइसी के नाम अलग याद होना चाहिए, रोडोफाइसी के नाम आपको अलग से याद होना चाहिए, क्योंकि यही बहुत ट्रिकी होते हैं, जहां पर आपके मार्क लॉस होने के चांस होते हैं वो इस तरह के, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यानी इतने डायरेक्ट होते हैं कि आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने होते हैं तो आपको इनके मार्क मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है, ये बहुत ज्यादा मतलब आपको 10 चीजें याद करना, 10 चीजें याद करना है और एक क्वेश्चन आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम इस हार्ड वर्क को छोड़ देते हैं और जो आसान है उसकी तरफ चले जाते हैं। ये हार्ड है बट इसमें मार्क आसानी से आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप क्लोरोफाइसी के भी नाम याद रखिए और फियोफाइसी के सारे नाम याद रखिए, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस।
ना, मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं हर मरतबा ये जदवल रिपीट करूंगा। तो अब जो फियोफाइसी है, फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, भूरी एल्गी। इसके अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है और सी होता है, और साथ में क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन। क्या होता है, फ्यूकोजेंथीन। इससे पहले मैंने कहा कि जो जैंथोफिल पिगमेंट है उसी का एक टाइप होता है जिसको क्या कहते हैं, फ्यूकोजेंथीन। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, मैनिटॉल और लेमेरा। इसी तरह से इसके पास क्या होता है, सेल्यूलोज और एल्जीन। क्या होता है, सेल्यूलोज और एल्जीन या एल्गिन। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, दो ना बराबर क्या होते हैं, यहाँ पर जो फ्लाजेला होते हैं वो कैसे होते हैं, दो ना बराबर। जैसा मैंने बताया ना कि नाशपति होता है, नाशपति की स्ट्रक्चर होती है एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो दो ना बराबर हो। और कहाँ पर होते हैं, तो ये बगल में होते हैं। बगल में मतलब वो एक इस साइड में और एक इस साइड में है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिरे के ऊपर पानी में होते हैं, और कभी कभी होते हैं, और खारा पानी या नमकीन पानी में ये ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको क्लोरोफाइसी के साथ इनको अलग से पढ़ना है। क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं, सब्ज होते हैं, ये कैसे होते हैं, भूरे होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी, लेकिन यहाँ पर कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, बट यहाँ होता कौन है, क्लोरोफिल सी, और एक्स्ट्रा कौन होता है, फ्यूकोसेंथिन। इसी तरह से यहाँ स्टोर जो गुजा है वो कौन सी है, निशास्ता है, बट यहाँ पर कौन है, मैनिटॉल लेमिनारिया। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, बट ये कार्बोहाइड्रेट कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बोहाइड्रेट कैसा है, पैचीदा है, ठीक है। सेल्यूलोज, यहाँ भी सेल्यूलोज होता है, यहाँ पेक्टोज होता है, बट यहाँ पर क्या है, सेल्यूलोज है, बट इसके साथ क्या है, एल्चिन। यहाँ पर 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं, बट वो बराबर सिरे पर होते हैं, यहाँ पर क्या है, दो ना बराबर है, यानी इनकी जो हाइट है वो कैसी है, छोटी और बड़ी, और कहाँ पर होते हैं, बगल में। फिर ये अक्सर मीठे पानी में, खारे पानी में, नमकीन, हर जगह होते हैं। बट फियोफाइसी कैसे होते हैं, फियोफाइसी या तो सिर्फ मीठे पानी में कभी कभार, बाकी खारा पानी और नमकीन पानी में ये होते हैं। इसलिए इनको आपको बार बार अगर इनको याद रखना है तो उसके लिए कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे, मवाजने के साथ आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे से स्टडी करिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल अगर आपको आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और टेलीग्राम पे मैसेज करिए, या यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और खास दुआओं में याद रखिए, और आपके दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।